Most welcome in this session. Today we shall discuss the lesson plan of science teaching. Topic is friction. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना के बारे में, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम साइंस टीचिंग का लेसन प्लान फ्रेम करते हैं। प्रीवियसली वीडियोस को एक्सेस करने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, साथ साथ लेसन प्लान का PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियसली वीडियोस में आप वहाँ देख सकते हैं किस तरह से एक इफ़ेक्टिव लेसन प्लान को स्टेप बाय स्टेप फ्रेम किया जाता है और एक गुड लेसन प्लान का लेआउट कैसा होता है। चलिए हम आज के लेसन प्लान की बात करते हैं फ्रिक्शन की। फर्स्ट ऑफ ऑल बी फिल बेसिक इनिशियल लैग डेट क्लास सब्जेक्ट टॉपिक पीरियड ड्यूरेशन टॉपिक शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द एम। जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है फ्रिक्शन, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं अंडरलाइन और बोल्ड, जो कि आपको ऑलरेडी ऊपर दिख रहा है। ठीक है, स्टॉप, इसको करना है हमको क्या, अंडरलाइन। ठीक है, इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू एंटायर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल साइंस का प्लान है तो हम यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव साइंस के लिखेंगे, जो रहेंगे हमारे 6 से 7। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। ठीक, देन आफ्टर हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप की, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य, बेस्ड ऑन करंट टॉपिक, जो कि हमारा जो प्रकरण होता है, जो टॉपिक हमको पढ़ाना है उसके ऊपर रिलेट करते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आल्सो कैटेगराइज इन 3 टाइप, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और हमारा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। ठीक है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द टॉपिक फ्रिक्शन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द टॉपिक फ्रिक्शन, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स विल बी रिकॉल द टॉपिक फ्रिक्शन, विद्यार्थी घर्षण के विषय में प्रत्यास्मरण करने में सक्षम हो सकेंगे। ठीक है, देन अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द टॉपिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द टॉपिक फ्रिक्शन। इसके बाद में हमारा आ जाता है थर्ड, एप्लीकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोगात्मक, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ द नॉलेज गेन बाय द कंटेंट इन देयर डेली लाइफ, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू परफॉर्म द गेन नॉलेज इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ। देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप टीचिंग एड्स, इसको हम बोल सकते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं जनरल टीचिंग एड्स और स्पेसिफिक टीचिंग एड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। जनरल टीचिंग एड्स में आते हैं हमारे इसेंशियल टीचिंग एड्स, जिनके बिना टीचिंग नहीं हो सकती, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बूट एक्सेट्रा। देन आफ्टर स्पेसिफिक एड्स में, यहाँ पर जो आप लेसन प्लान पढ़ाएंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग चार्ट, मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट या जो आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसमें जिस जिस मटेरियल की रिक्वायर्ड होगी उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। लेसन प्लान आपका एक्टिविटी बेस्ड है तो यहाँ पर मॉडल, सैंड, क्लोथ, वुडन बोर्ड, बैटरी सेल, बॉल को लिया गया एज रियल ऑब्जेक्ट। प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट हैव सम जनरल नॉलेज और आइडियाज अबाउट द टॉपिक फ्रिक्शन। देयर आफ्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लेसन प्लान, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, प्रस्तावना प्रश्न, जिसके थ्रू हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए करंट नॉलेज से लिंकअप करेंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज शुड बी इजी, नॉट यूजिंग ऑफ टू मीनिंग वर्ड एंड जिगजैग फॉर्म, मींस जो हमारा क्वेश्चन आंसर होंगे उनमें कनेक्टिविटी रहेगी, क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसी आंसर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो पीपल टीचर एक्टिविटी और हमारा स्टूडेंट एक्टिविटीज़। व्हाट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स बी यूज ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, यात्रा के समय हम किस प्रकार के वाहनों का प्रयोग करते हैं या किन किन वाहनों का प्रयोग करते हैं, कार, बसेस, ट्रेन, बाइसाइकिल, स्कूटर। स्टूडेंट जब आपको रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप उनको मोटिवेट करेंगे या रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे उन, ठीक है, उनके राइट एक्टिविटीज़ पे या उनके राइट रिस्पॉन्स पर। इसके बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो आंसर आया है, ठीक है, इसी आंसर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। व्हाट वी डू वेयर द कार डज नॉट स्टार्ट बाय इट्सेल्फ, कार जब अपने आप से स्टार्ट नहीं होती तो हम क्या करते हैं। ठीक है, तो बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे आपको, बी पुश द कार अप टू सर्टेन डिस्टेंस, हम कुछ निश्चित दूरी के लिए कार को धक्का देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे इसी आंसर से। ठीक है, व्हाट वी अप्लाई
टू पुश द कार, वी अप्लाई फोर्स टू पुश द कार, हम कार को धक्का देने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे यहाँ पर, विच टाइप्स ऑफ फोर्स वी अप्लाई टू मूव द कार, वी अप्लाई फ्रिक्शनल फोर्स टू मूव द कार, हम कार को आगे बढ़ाने के लिए घर्षण बल का प्रयोग करते हैं। What do you understand by the term friction? Friction terms यहाँ पे क्या समझते हैं? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या, problematic question, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, इसके बाद भी हमारा जाता है स्टेटमेंट ऑफ द एम, इसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य कथन। डियर स्टूडेंट्स, टूडे वी शैल डिस्कस एंड स्टडी अबाउट द टॉपिक फ्रिक्शन। इसके बाद ही आपको ऊपर जो हमारा रहता है बेसिक इनिशियल, वहाँ पर हमारा जो टॉपिक रहता है वहाँ मेंशन करना रहता है और इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन की, जहाँ से हम एक्चुअल लेसन प्लान को टीच करेंगे क्लास में या उसको प्रेजेंट करेंगे। 5 कॉलम में डिवाइड रहेगा, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, मेथड एंड टेक्निक्स, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज़। तो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारे यहाँ पर आ जाएगा फ्रिक्शन, यहाँ पर हम फ्रिक्शन को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, इस तरह से हम यहाँ पर फ्रिक्शन को डिफाइन करेंगे। और स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड ऑब्जर्व। मेथड हमारा लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। जब हम एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो हमारा वहाँ पे लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड होगा, और नॉर्मली अगर हम किसी कोई लेक्चर दे रहे हैं तो वहाँ पर हमारा केवल लेक्चर मेथड होगा, जहाँ पर हम चार्ट मॉडल का यूज़ नहीं करते हैं। और ये वाला जो कॉर्नर रहेगा, यहाँ पर हम मेजर पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम फ्रिक्शन फोर्स को डिफाइन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जो यहाँ पर मेन है इसको हमने नोट डाउन कर दिया। ठीक है, एग्जांपल आ जाएगा हमारे यहाँ पे, व्हेन वी किक द बॉल इट स्टॉप आफ्टर मूविंग एट सम डिस्टेंस, जब किसी बाल को धक्का देते हैं कुछ समय के बाद जाकर वो रुक जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर एग्जांपल भी होगा जो हम बच्चों को देंगे। ठीक है, इसके बाद में कॉसेस ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर घर्षण होता है उसके कारण क्या होते हैं, तो हम उनके रीजंस को बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 3-4 पॉइंट में, और यहाँ पर हमको एक्टिविटी परफॉर्म करना होगी जो बच्चों को हम दिखाएंगे, जिसके थ्रू हम अपने प्रेजेंटेशन को, अपने कंटेंट को बहुत इफेक्टिवली क्लासरूम में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके बाद जो बच्चे रहेंगे क्लास में वो इफेक्टिवली उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्रॉपर इंगेज होंगे, और जो आपकी लर्निंग होगी वहाँ पर लर्निंग आउटकम्स होंगे वो भी इफेक्टिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक जो एक्टिविटी रहेगी, हम एक्टिविटी करके दिखाएंगे वहाँ पर क्लास में। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मेंशन है टीचिंग लर्निंग मटेरियल में किन किन चीज़ों को हमने यूज़ वहाँ पर किया है। ठीक है, यहाँ पर हम बोर्डिंग जो बोर्ड होगा उसके ऊपर बैटरी को, जो सेल है हमारा उसको मूव कराएंगे। ठीक है, इस तरह से हम बच्चों के सामने एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद हमारा पहला टीचिंग पॉइंट हो गया है, हम उसको एक्चुअली चेक कर लेंगे, क्या रिसीविंग रहा, क्या रिस्पॉन्डिंग रहा, बच्चे कितने प्रॉपर एंगेज हुए थे, और हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं कि नहीं होते हैं। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेंगे। मेथड हमारा यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन आंसर मेथड, या क्वेश्चनिंग मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, वाई बॉल स्टॉप मूविंग एट सम डिस्टेंस ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड, मेथड क्वेश्चनिंग मेथड, बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे तो आप वहाँ पर उनको रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे आंसर इक्वली एंटायर क्लास में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब थर्ड क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पे जाने के लिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब हमारा ये हो जाएगा नो रिस्पॉन्स या स्टूडेंट साइलेंस, और हम आ जाएंगे नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम फ्रिक्शन के टाइप्स को डिफाइन करेंगे, देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टेटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड ऑब्जर्व केयरफुली। ठीक है, मेथड हमारा लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हम चार्ट मॉडल के थ्रू बच्चों को चीज़ें क्लियर कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, विद एग्जांपल ए बुक लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, जिस तरह से आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया गया कि कौन सा फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन को यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, स्टैटिक का दिया गया है जिसपे नॉर्मली बुक आपकी रखी हुई है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि आप अपनी लेसन प्लान को, अपनी कंटेंट को इजी वे में डिलीवर कर सकते हैं और बच्चे भी इजी वे में उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन को हम डिफाइन कर देंगे। ओके, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल हर जो हमारा पॉइंट रहेगा वहाँ पर बच्चों को देंगे, जिससे कि बच्चों इजीली अंडरस्टैंड
कर पाएँ वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में हम रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटिक स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन, इसके बारे में बता देंगे बच्चों को, ठीक है। इसके बाद में अब हमारा ये वाला टीचिंग पॉइंट हो गया, इसके क्वेश्चन कर लेंगे हम, बच्चे को क्विक चेक करेंगे बच्चों ने कितना गेन किया, कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आर देयर, तो बच्चे उनके नाम बताएंगे, ऑलरेडी आप उनको ऊपर बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। मेथड आपका क्वेश्चनिंग होगा, अरेंज ऑल दीज थ्री फ्रिक्शन, थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, अब बच्चों से कहें कि फ्रिक्शन के जो ऑर्डर हैं इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करेंगे, तो बच्चे यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करके दिखाएंगे। मेथड हमारा क्वेश्चनिंग मेथड रहेगा और स्टूडेंट को हम मोटिवेट करेंगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा फिर से हो जाएगा, जिसके थ्रू हमको नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर जाना रहेगा, ठीक है। हाउ डज द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड, किस तरह से घर्षण को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, स्टूडेंट नो रिस्पॉन्स और साइलेंस या मौन, मेथड हमारा रहेगा क्वेश्चनिंग मेथड। अब हम यहाँ पर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन या इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के बारे में बच्चों को बताएंगे, ठीक है। मेथड हमारा रहेगा लेक्चर मेथड, क्यों, क्योंकि अब हम यहाँ पर चार्ट मॉडल का यूज़ नहीं करेंगे, बाय द एक्सप्लेनिंग और एग्जांपल्स के थ्रू हम बच्चों को यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आप रीज़न बताएंगे रिड्यूसिंग, घर्षण को कम करने के, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद में हमारा एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के एग्जाम्पल्स दे देंगे बच्चों को, ठीक है, जो कि ऑलरेडी स्क्रीन पर है आपके, ठीक है। इसके बाद में अब तीनों जो हमारे टीचिंग पॉइंट रहेंगे, फ्रिक्शन, ठीक है, और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, इन तीनों टॉपिक की, तीनों टीचिंग पॉइंट के बेस्ड पर हम क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे और बच्चे को हम एक बार क्विक चेक करेंगे यहाँ पर कि बच्चे कितने इन्वॉल्व हुए थे और कितना इफेक्टिवली उन्होंने यहाँ पर सीखा है। तो यहाँ पर हम फिर से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसको हिंदी में बोलते हैं, बोधात्मक प्रश्न, गिव एनी वन कॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे क्वेश्चनिंग मेथड, ठीक है। गिव वन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेंगे आपको, ठीक है। व्हाट आर द मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ऑलरेडी आप एक्सप्लेन कर चुके हैं ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे बोधात्मक। इसके बाद में हमारा आता है ब्लैक बोर्ड समरी, जो मेजर पॉइंट आपने ब्लैक बोर्ड पर मेंशन किए थे। अब स्टूडेंट्स को क्लास में परमिशन ग्रांट करेंगे कि जो हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू टेक आउट या नोट डाउन देयर, नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क, देयर क्लास बुक वर्क, ठीक है, और कॉपीज, एंड नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन द कॉपी। देन द टीचर विल टेक राउंड और सुपरवाइज इन द क्लास। इसके बाद जो टीचर रहेगी, बच्चे जब अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हों, क्लास को सुपरवाइज कर लेंगी वहाँ पे। इसके बाद में रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस आ जाएंगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस शुड बी मिक्स फॉर्म, ट्रू फॉल्स, मैचिंग वर्ड, फिल इन द गैप्स, ठीक है, टू अल्टरनेट, MCQ। यहाँ पर हम बच्चों को अदर मोड में, अदर बैरियर्स जो हमारे इवेलुएशन की टेक्निक्स होती हैं उनके थ्रू हम बच्चों को यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर मिक्सअप टाइप की एक्सरसाइज टाइप की रहेगी। इसके बाद में हमारा आ जाएगा होमवर्क, और होमवर्क के बाद में आपका लेसन प्लान हो जाएगा समाप्त। कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।